दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव का अब अखाड़ा सजना शुरू हो गया है। चुनाव का ऐलान हो गया है, 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी। हरियाणा की जनता 1 अक्टूबर को अपने मतदान से तय कर देगी कि किस में कितना दम है। अगर मैं इसको सीधे मायने में कहूँ तो फिर 1 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि किसकी हवा चल गई या किसकी हवा निकल गई। 1 अक्टूबर हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा और फिर 4 अक्टूबर को जब मतगणना होगी तो फिर उस दिन पता लग जाएगा कि हरियाणा का सिकंदर कौन। दोस्तों, इस सब को लेकर के, यानी कि चुनावी एक्टिविटीज़ क्या हैं, चुनाव का माहौल क्या है, चुनाव का जो परिदृश्य क्या बनेगा, ये सब कुछ रिकॉर्ड पर रहता है और इसके पीछे रहा करता है कि पिछला जो इतिहास था और उस पिछले इतिहास के दौरान में किसको क्या मिला और उसके आधार पर कल्पना होती है आगे की। मैं आपको लगातार 10 दिन वीडियोज़ में बताऊंगा कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, जिनमें बताऊंगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या था और उसका परिणाम 2019 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ और अब 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है। इस श्रृंखला में मैं आपसे आज बात करूंगा हरियाणा की बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा सीट गुरुग्राम की। गुरुग्राम लोकसभा, जिसमें कि 3 जिले आते हैं। एक जिला गुरुग्राम जिसकी 4 विधानसभा सीटें हैं, दूसरा जिला नुहू मेवात जिसकी 3 विधानसभा सीटें हैं और तीसरा जिला रेवाड़ी जिसकी 2 विधानसभा सीटें गुरुग्राम लोकसभा में आती हैं। गुरुग्राम जिले की जो 4 विधानसभा सीटें हैं वो हैं गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना और पटौदी। नुहू मेवात जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं, नुहू, फिरोजपुर, झिरका और पुनहाना। और रेवाड़ी जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं, रेवाड़ी और बावल। जो 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस चुनाव के अंदर राव इंदरजीत सिंह बड़े अंतर से चुनाव जीते और यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे कैप्टन अजय यादव। 2019 के चुनाव में कैंडिडेट लोकसभा के कांग्रेस के थे कैप्टन अजय यादव। कैप्टन अजय यादव चुनाव हार गए और उनकी हार का मार्जिन बड़ा रहा, लगभग 3.5 लाख 4.25 लाख वोट के आसपास वो चुनाव हार गए। राव इंदरजीत सिंह चुनाव जीत गए। राव इंदरजीत सिंह चुनाव तो जीते लेकिन 9 में से 6 विधानसभा राव इंदरजीत जीते और 3 विधानसभा कैप्टन अजय जीते, मेवात की 3 सीटें। उसके बाद में चुनाव आया विधानसभा का 2019 में। विधानसभा के चुनाव में जो 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, इसी गुरुग्राम लोकसभा ने, जिसने कि विधानसभा की 6 सीटें जितवाई थी भारतीय जनता पार्टी को, उसी गुरुग्राम ने 6 में से भाजपा को 4 पर ला दिया। 4 सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी जीती और 4 सीटें ही कांग्रेस जीत गई, यानी कि कांग्रेस की 3 से बढ़कर 4 हो गई, 1 बढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी की 6 से घटकर 4 हो गई, उनकी 2 घट गई। 1 इंडिपेंडेंट जीत गए। जो सीट बीजेपी ने जीती वो हुई गुरुग्राम की सीट, सुधीर सिंगला विधायक बने। वो दूसरी सीट हुई पटौदी की, वहाँ से सत्यप्रकाश जरावता विधायक बने। तीसरी सीट जो बीजेपी को मिली वो बाबल की मिली, डॉक्टर बनवारी लाल जीते। और 4थी सीट बीजेपी को मिली सोहना की, वहाँ से कंवर संजय सिंह चुनाव जीते। इन 4 में से 2 आजकल मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, बनवारी लाल और संजय सिंह। जो कांग्रेस को 4 सीट मिली वो हुई रेवाड़ी से, कप्तान साहब के बेटे चिरंजीव राव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत गए। और 3 सीट कांग्रेस को मिली मेवात, नुहू मेवात जिले की, नुहू से आफताब अहमद चुनाव जीत गए, फिरोजपुर, झिरका से मामन खां चुनाव जीत गए और पुनहाना से मोहम्मद इलियास विधायक बन गए। 1 सीट इंडिपेंडेंट के खाते में गई निर्दलीय, राकेश दौलताबाद, स्वर्गीय राकेश दौलताबाद, वो चुनाव जीत गए बादशाहपुर से निर्दलीय। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 10,000 से भी ज़्यादा मतों के अंतर से हरा दिया। अब 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 में राव इंदरजीत सिंह फिर कैंडिडेट थे लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के, और उनके सामने जो कांग्रेस से कैंडिडेट आए वो कप्तान अजय यादव की जगह अब की बार मैदान में थे फिल्म अभिनेता राज बब्बर, कांग्रेस के बड़े नेता, 5 बार सांसद रह चुके हैं आज तक। वो चुनाव मैदान में कांग्रेस की टिकट पर उतरे। राव इंदरजीत चुनाव तो जीत गए, राव इंदरजीत का जो मार्जिन रहा, जो विधानसभा सीट के हिसाब से रहा, वो भी अब की बार भी 6 सीट जीत गए। 3 सीटें ही जीत पाए राज बब्बर, वही मेवात वाली 3 सीटें।
लेकिन जो मार्जिन था वो घट गया, जो गैप था, जीत का जो अंतर था वो 4.25 लाख से घट कर के और लगभग 70-75 हज़ार पे आ गया, यानी कि 3 लाख से ज़्यादा वोट कांग्रेस ने अपनी बढ़ा ली। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ ये आती है कि मेवात ज़िले में वोटिंग कम हुई, ये एक बड़ा फैक्टर था। इसका मतलब जो गुरुग्राम और रेवाड़ी ज़िले की सीटें थी वहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट भी थे, आम आदमी पार्टी के तो इंडिया क्योंकि गठबंधन में थे तो इसलिए वो आम आदमी पार्टी राज बब्बर के साथ थी, लेकिन इनेलो और जेजेपी के जो कैंडिडेट थे वो कोई बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब बात आ जाती है, अगला विधानसभा चुनाव सिर पर है 2024 का, यानी कि जो 4-4 सीटों पर रहे थे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और एक इंडिपेंडेंट थे, बात आ जाएगी कि आज की स्थिति क्या है। तो मैं आपसे सिलसिलेवार बात करता चलूं कि नूह की जो 3 विधानसभा सीटें हैं, आफ्ताब अहमद हैं, नूह के विधायक हैं, लगता है कांग्रेस से इनकी टिकट को खतरा कोई है नहीं, इनको टिकट फिर मिल जाएगा और आफ्ताब अहमद अब की बार भी आराम से चुनाव जीत जाएंगे। अगली विधानसभा सीट आती है फिरोजपुर झिरका, वहाँ पर मामन खां के टिकट को भी कोई खतरा दिखाई देता नहीं और लगता है मामन खां भी आराम से चुनाव जीत जाएंगे। तीसरी विधानसभा सीट है पुनाना, पुनाना में भी दावेदारी कई लोग कर रहे हैं, क्या मोहम्मद इलियास का टिकट कटेगा या फिर इलियास पर दोबारा फेत किया जाएगा, ये बात भविष्य के गर्भ में है, यानी कि तय हो जाएगा 5-7 सितंबर के आसपास जब नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, टिकट उससे पहले होती है या मौके पर होंगी ये समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आप मान करके चलें कि ये सीट भी कांग्रेस आराम से निकाल सकती है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मुकाबले में इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन भी मुकाबले में आ सकता है। अब आपसे बात कर लें, इसके बाद आगे चलें जो बीजेपी की स्थिति है, क्योंकि ये मेव मुस्लिम बाहुल्य इलाका है इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बनता दिखता नहीं है मेवात ज़िले के अंदर। अगर अगली बात मैं आपसे करूँ तो फिर बात कर लेंगे आपसे गुरुग्राम ज़िले की, गुरुग्राम ज़िले की गुरुग्राम विधानसभा सीट, पिछली बार सुधीर सिंगला यहाँ पर विधायक बने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2019 में, 2014 में यहाँ पर विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही उमेश अग्रवाल, उमेश अग्रवाल का टिकट काटा बीजेपी ने और सुधीर सिंगला को दिया। सुधीर सिंगला पेशे से एडवोकेट हैं, वो पूर्व मंत्री सीताराम सिंगला के बेटे हैं, सीताराम सिंगला भाजपा के कद्दावर नेता रहे, उनके बेटे सुधीर सिंगला को बड़े आराम से घर बैठे हुए टिकट दिया गया और बड़े आराम से वो घर बैठकर ही चुनाव जीत गए। और मैं अगर ये कह दूं कि वो बड़े आराम से घर ही बैठे रहे, 5 साल उनको हो गए, चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना चेहरा बदल सकती है, चेहरा कौन होगा इस पर चर्चा आपसे बाद में करेंगे, लेकिन ये चर्चा ज़रूर है कि भाजपा अपना चेहरा बदल सकती है। बात आ जाती है उमेश अग्रवाल की, उमेश अग्रवाल आजकल आम आदमी पार्टी में है, उमेश अग्रवाल का अपना असर रसूख अपना वजूद भी है, पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं 2019 वाला, और अगर अब की बात करें तो चर्चा है कि उमेश अग्रवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। कांग्रेस से यहाँ पिछले चुनाव में जो कैंडिडेट थे वो थे सुखबीर कटारिया, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, 2009 की सरकार में इंडिपेंडेंट जीते थे और समर्थन दिया था हुड्डा साहब को। 2014 और 2019 सुखबीर कटारिया हारे और 2019 में तीसरे नंबर पर रहे। गुरुग्राम की विधानसभा से सेकंड स्थान लिया मोहित ग्रोवर, मदनलाल ग्रोवर के बेटे हैं वो, मदनलाल ग्रोवर कांग्रेस के कभी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हुए उन्होंने सेकंड नंबर पर रहे और 35-36 हज़ार के आसपास वोट लिए। मोहित ग्रोवर अब शामिल हो चुके हैं आजकल कांग्रेस में, बड़ी चर्चाएं हैं कि मोहित ग्रोवर को कांग्रेस अपना कैंडिडेट बना सकती है, क्योंकि पंजाबी वाला मामला आजकल चल रहा है, पंजाबी समाज को टिकटें दी जाएं और गुरुग्राम से कांग्रेस के पास, क्योंकि धर्मवीर गावा वहाँ लंबे समय विधायक रहे हैं, हालांकि वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से दावेदारी आशीष दुआ की भी है, आशीष दुआ भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, लेकिन फील्ड पर जो काम मोहित ग्रोवर का दिखता है तो उससे लगता है कि मोहित ग्रोवर ने अभी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन भी की है और चर्चाएं हैं कि मोहित ग्रोवर को टिकट मिल सकता है। अगर कास्ट वाला समीकरण रहा तो फिर आप मान करके चलें कि मोहित ग्रोवर बड़ी चुनौती देंगे भारतीय जनता पार्टी को, बड़ी चुनौती बन सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अब की बार भी यहाँ से वैश्य अग्रवाल समाज से हुए, हालांकि यहाँ पर भाजपा से बोधराज सीकरी का नाम भी चला है, लेकिन चर्चाएं ये हैं कि भाजपा यहाँ का टिकट किसी
वैश्य अग्रवाल समाज से ही देगी। आपसे मैं गुरुग्राम की पूरी चर्चा करूंगा अगली वीडियो में, किसी वीडियो में। इस लिहाज से आप मान करके चले कि कांग्रेस का कैंडिडेट अगर पंजाबी समाज से हुआ और मोहित ग्रोवर हुए, और इधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वैश्य अग्रवाल समाज के नेता हुए, क्योंकि लगभग 46% वोटर यहाँ पर अकेला पंजाबी समाज का है। इस लिहाज से मोहित ग्रोवर भारी पड़ सकते हैं, कांग्रेस यहाँ पर भाजपा पर भारी पड़ सकती है मिलेनियम सिटी में। अगली बात आपसे कर लेते हैं पटौदी विधानसभा की। पटौदी विधानसभा से आजकल जो विधायक हैं सत्यप्रकाश जरावता हैं, 2014 में यहाँ से विधायक बनी थी। 2014 की उन विधायक महोदया का टिकट कटा और उनके स्थान पर सत्यप्रकाश जरावता को टिकट मिला। बिमला चौधरी विधायक थी 2014 में और बिमला चौधरी राव इंदरजीत सिंह की समर्थक मानी जाती थी। 2019 के चुनाव में सत्यप्रकाश जरावता को टिकट दिया, मनोहर लाल जी ने टिकट दिलवाया उनको और सत्यप्रकाश जरावता चुनाव भी जीते। लेकिन इस चुनाव में चर्चा है सत्यप्रकाश जरावता के लिए माहौल बिल्कुल नेगेटिव है। जो माहौल उनके पक्ष में पहले था पटौदी विधानसभा में, वो माहौल आज नहीं है। वो सत्यप्रकाश जरावता जो चुनाव जीत गए थे अब की बार, हालांकि उन्होंने पिछले दिनों पटौदी में नायब सिंह सैनी की सभा भी हुई, लेकिन राजनीतिक हवाएं फिजाएं बता रही हैं कि सत्यप्रकाश जरावता के लिए वहां पर बड़ी समस्या है। यहां पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो सुधीर चौधरी थे। सुधीर चौधरी दो बार चुनाव हारे हैं, दो बार कैंडिडेट थे, 2014 में भी और 2019 में भी। रिजर्व सीट है एससी के लिए, रिजर्व सीट है पटौदी, और यहाँ से सुधीर चौधरी जो कैंडिडेट थे वो हरियाणा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान, उनके नज़दीकी रिश्तेदारी में है। बताया जाता है कि उनकी कोई उदयभान जी के भाई की बेटी या उनके परिवार से कोई लड़की उनके वहाँ मैरिड है। सुधीर चौधरी नहीं तो फिर कोई और। लेकिन हवाएं जो कह रही हैं पटौदी की, वो ऐसा संदेश दे रही है कि सत्यप्रकाश जरावता डाउन है, कांग्रेस उन पर हैवी हो सकती है और इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का कैंडिडेट यहाँ पर कुछ खेल कर सकता है। अगर इनेलो बसपा का कैंडिडेट कोई अलग आया, कोई नया चेहरा हुआ, तो क्योंकि इनेलो के कैंडिडेट भी यहाँ से दो बार विधायक रहे हैं। पहले रामबीर पटौदी यहाँ से विधायक थे, आजकल वो कांग्रेस में हैं, और रामबीर सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर विधायक बन चुके हैं एक बार। अगली बात कर लेते हैं सोना विधानसभा की। तो सोना विधानसभा में इस समय विधायक संजय सिंह है, मैंने आपको बताया। संजय सिंह के बारे में इस बार ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह जी के लिए भी मामला ठीक नहीं है। सोना से विधायक हैं, खेल मंत्री हैं आजकल संजय सिंह के बारे में ये चर्चाएं हैं कि वैसे तो ये हवाएं भी हैं कि भाजपा उनका टिकट भी बदल सकती है। अगर भाजपा टिकट बदलती है तो क्या होगा ये बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊं कि अगर संजय सिंह कैंडिडेट हैं और भाजपा के लिए यहाँ पर समस्या है। सोना तावड़ू विधानसभा ज्वाइंट विधानसभा है, इसके अंदर लगभग 95,000 के आसपास मेव मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, गुजर कम्युनिटी भी बड़ी संख्या में है यहाँ पर। पिछले चुनाव में यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे थे रोहताश खटाना, यहाँ से 2014 के चुनाव में तेजपाल तंवर विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका टिकट कट गया था, उनके स्थान पर संजय सिंह आए थे। अब संजय सिंह को बीजेपी रखती है या चेंज करती है, क्या तेजपाल तंवर वापस आते हैं, ये अलग अगले वीडियो में चर्चा। लेकिन इसमें रोहताश खटाना के बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। रोहताश खटाना अगर कांग्रेस में जाते हैं तो फिर आप मान करके चलें वो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। हालांकि जो पिछला चुनाव था 2019 का, यहाँ पर कांग्रेस बहुत पीछे रही थी। यहाँ से जावेद कैंडिडेट थे बहुजन समाज पार्टी के, वो सेकंड नंबर पर आ गए थे, थर्ड नंबर पर। सेकंड पर रोहताश खटाना थे और थर्ड पर जावेद आ गए थे। और इधर आगे चलें तो आप जो कैंडिडेट कांग्रेस के थे वो भी मेव मुस्लिम समाज से थे, लेकिन वो पिछड़ गए थे। लेकिन इस चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही। गुरुग्राम लोकसभा की 7वीं और गुरुग्राम जिले की 4थी विधानसभा सीट बादशाहपुर, बादशाहपुर सबसे बड़ी विधानसभा सीट मानी जा सकती है हरियाणा के अंदर, सबसे ज़्यादा वोट उसके अंदर लगभग हैं। बादशाहपुर से जो विधायक बने 2014 के चुनाव में, राव नरवीर सिंह चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। 2019 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, वो राव इंदरजीत सिंह की नाराज़गी थी, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अपनी कोई योजना थी, जो भी था, लेकिन नरवीर सिंह का टिकट कट गया। राव नरवीर सिंह 2014 से 19 मनोहर पार्ट 1 की सरकार में वजीर रहे थे, कैबिनेट मंत्री। राव नरवीर सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1987 में विधायक रहे थे, 1996 में विधायक रहे थे और फिर अब बने थे 2014 में।
राव नरवीर सिंह राजनीति खूब करते रहे, वो विधायक सांसद सब चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे हारते रहे, लेकिन वर्तमान के चुनाव में उनकी पूरी दावेदारी है। पिछले दिनों राव नरवीर सिंह कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि होडल से लेकर अटेली तक एक विधानसभा सीट जीत सकते हैं सिर्फ बीजेपी के लोग, इस प्रकार का उनका बयान था। राव नरवीर सिंह का बड़ी चर्चा है कि उनको टिकट बीजेपी अब की बार भी नहीं देने के मूड में, और ये भी चर्चा है कि राव नरवीर सिंह किसी और पार्टी से लड़ने के मूड में है। 2019 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें राव नरवीर सिंह यहाँ जब चुनाव नहीं लड़े थे और राकेश दौलताबाद इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के कैंडिडेट रहे थे मनीष यादव, यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे राव कमलवीर, वो तो चौथे पांचवें स्थान पर चले गए थे, 10,000 से भी कम वोट मिली थी। लेकिन अब चर्चाएं हैं कि राव नरवीर सिंह जा सकते हैं कांग्रेस के अंदर। राव नरवीर सिंह के बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस हो सकती है, वो इनेलो बसपा हो सकती है, वो कहीं भी लड़ सकते हैं, लेकिन वो पार्टी अगर उनको बीजेपी से अब टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी बदल लेंगे। इस स्थिति में आप मान करके चलें कि जो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, हालांकि नाम मैं आपको बताता चलूँ, जो बीजेपी के टिकट चाहने वाले मांगने वाले लोग हैं जिनके नाम चल रहे हैं, उनके अंदर जवाहर यादव का नाम भी है, उनके अंदर दूसरा नाम आता है तो फिर दूसरा नाम मनीष यादव अब भी हैं, और भी कई नाम हैं इस बादशाहपुर विधानसभा सीट के लिए। राकेश दौलताबाद की धर्मपत्नी भी आजकल उनके, आज कल मैं गुरुग्राम था तो उनके मैंने कई पोस्टर्स देखे अपने राकेश दौलताबाद, स्वर्गीय राकेश के साथ में उनकी फ़ोटो लगी हुई थी, और वो भी तैयारी में है, कौन सी पार्टी से पता नहीं, इंडिपेंडेंट तैयारी कर रही है शायद। लेकिन जो बादशाहपुर का रण है बड़ा अच्छा भीषण होगा अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ टिकट में अपना पराया चला, तो फिर आप मान करके चलें यहाँ भी कांग्रेस या कोई और ऊपर हो सकता है। अब आगे चलते हैं आपके साथ रेवाड़ी पर। रेवाड़ी जिले के अंदर दो विधानसभा सीट, रेवाड़ी और बावल, एक कांग्रेस एक बीजेपी। रेवाड़ी से चिरंजीव राव कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट सुनील मुसेपुर को हराया था पिछले चुनाव में। मुसेपुर साहब जो हैं वो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक थे उस चुनाव में 2019 में। आज समर्थक तो राव इंद्रजीत के हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह से ज़्यादा समर्थक, ज़्यादा गोटियाँ उनकी जो फिट हुई हैं वो बीजेपी आरएसएस के अंदर भी हो चुकी हैं। चिरंजीव राव कैंडिडेट कांग्रेस के होंगे लगभग तय है। उनके मुकाबले कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट कौन होंगे, सुनील मुसेपुर होंगे या यहाँ पर रणधीर सिंह कापड़ीवास 2014 में विधायक थे, 14 में वो विधायक बनने के बाद 19 में टिकट नहीं मिला, पार्टी छोड़ी, आज़ाद लड़े, बाद में उनको पार्टी ने बीजेपी ने वापस ले लिया। राव इंद्रजीत सिंह से 36 का आंकड़ा है। कैंडिडेट कौन होगा, चेहरा कौन बनेगा, बड़ी नज़र रहेगी इस बात पर। जो कैंडिडेट होगा वो काफ़ी हद तक मायने रखेगा, लेकिन गुरुग्राम की जो ये 8वीं विधानसभा सीट है और रेवाड़ी की विधानसभा सीट, रेवाड़ी प्रॉपर, मान करके चलें कि यहाँ रण भीषण होगा, मुकाबला कड़ा होगा। अगली बात आ जाती है बावल की। बावल विधानसभा सीट से आजकल मंत्री हैं, विधायक हैं डॉक्टर बनवारी लाल, 2014 में भी विधायक थे, 2019 में भी विधायक बन गए। अब बावल की अगर बात करें तो लगता है बावल के अंदर टिकट अब भी बनवारी लाल को ही जा सकता है। बनवारी लाल भी कभी खासम खास हुआ करते थे राव इंद्रजीत सिंह के, और बाद में खासम खास हो गए वो मनोहर लाल जी के, और बाद में खासम खास हो गए वो नायब सिंह सैनी के भी, यानी कि सब रंग में रंग जाते हैं बनवारी लाल। और इस चुनाव में भी कहा तो जा रहा है कि बनवारी लाल का दावा मजबूत है, लेकिन क्या उनकी स्थिति उतनी मजबूत है जितनी पहले थी? आप माने तो बावल के अंदर जो चुनाव तो राव इंद्रजीत सिंह जीते, लेकिन उनका जो मार्जिन ऑफ गैप था वो बहुत घट गया आपकी बार। बावल के अंदर कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, बीजेपी का मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यहां भी आप मान करके चलें कि बनवारी लाल जी के लिए संकट भी है और उनका मुकाबला बहुत कड़ा हो सकता है। कांग्रेस या बीजेपी कौन अप रहेगा? अगर कहीं राव इंद्रजीत सिंह की नज़रें इनायत ना रही गुरुग्राम लोकसभा की, जो मेव मुस्लिम डोमिनेटिंग इन 3 सीटों के अलावा 6 सीटों पर, तो फिर भाजपा के लिए बड़ा संकट होगा। यानी कि गुरुग्राम लोकसभा के अंदर जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वो 4 सीटें बरकरार रखना, 4 सीटें जीतना बहुत बड़ी चुनौती होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी। आपको क्या लगता है, हमने जो बताया क्या आप भी इससे सहमत हैं?
या नहीं है। अगर आप इससे सहमत हैं तो भी और नहीं तो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।